आर्टिकल पर्सनल जिसमें जो नॉन अवेलेबल मैथ्स होनी चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर जो है वो डॉक्टर्स को भी बुलाएं। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। 96% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਿੱਤੀ ਜੀ, ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। और चीफ मिनिस्टर को भी बुलाएं और नेशन को रीअश्योर करें कि हम नेक्स्ट सेशन में ये लॉ लेके आएंगे, प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल पर्सनल, और उसको नॉन अवेलेबल मैच बनाएंगे। तो ये आज की मुख्य तौर पर थी। और जो स्टेट लेवल के ऊपर चाहे CCTV लगने हैं, मोर सिक्योरिटी पर्सनल देने हैं, ब्लैक स्पॉट्स कवर करने हैं, डार्क स्पॉट्स कवर करने हैं, वो हम सारा अगले 48 आवर्स में कर देंगे। वो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो सिविल सर्जन हैं और डायरेक्टर प्रिंसिपल है मेडिकल कॉलेज के लेवल, वो डॉक्टर्स को साथ लेके और एक सिक्योरिटी ऑडिट करके उसमें पुलिस वाले भी होंगे और एक हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर एक हम उनको हेल्पलाइन नंबर देंगे, उस पर कॉल करेंगे और विदिन फ्यू मिनट्स डॉक्टर लॉ आएगा, उसमें 6 साल की सज़ा होनी चाहिए, नॉन अवेलेबल फैस होनी चाहिए ताकि उसका डेटा एक्सपेक्ट हो। आदमी सोचे 100 बार सोचे, डॉक्टर पे हाथ भी ना उठाए, दरिंदगी करने की तो बात बहुत OPD शुरू, मैंने उनसे अपील करी है, वो कहते हैं हम नेशनल बॉडी से करके हम शुरू करते हैं। ठीक है, तभी उसके माँ बाप को लगेगा कि उनको शायद मतलब उनकी बच्ची तो वापस नहीं आएगी, उनको इंसाफ मिलेगा। तो दूसरा ये आदमी शहीद हो जाता है, हम अपनी इस बेटी को शहीद मानते हैं तो उसको एक्सग्रेशिया दिया जाता है। इसके माँ बाप को 5 करोड़ सेंटर और 5 करोड़ स्टेट की तरफ से एक्सग्रेशिया दिया जाए। और जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं वो एक मीटिंग लाएँ ऑल द स्टेट हेल्थ मिनिस्टर और सेंटर को लिख के भेजें कि हम जैसे हमने कराया, और डॉक्टर को साथ भी मीटिंग करें जैसे हमने करी है, हमारे साथ भी करें। और हम प्राइम मिनिस्टर से डिमांड करते हैं उस मीटिंग से भी करेंगे कि अपना स्टेट का पर्सपेक्टिव लेके एक लॉ बनाया जाए। प्राइम मिनिस्टर शुड कॉल इमीडिएटली कॉल इन मीटिंग ऑफ ऑल द चीफ मिनिस्टर और उसके डॉक्टर्स के साथ भी बात करें और रीश्योर करें नेशन को कि वो अगर नेक्स्ट सेशन में चाहे मुझे ऐसा ला लेके आएंगे जिसका मकसद होगा प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल पर्सनल, जिसमें 6 साल की सज़ा होगी और उसमें नॉन अवेलेबल ऑफेंस होगी। अगर हम ये सारा कुछ करेंगे तो उसका डेटा एक्सपेक्ट होगा और कोई भी डॉक्टर के ऊपर हाथ उड़ाने से पहले भी सोचेगा, जिंदगी तो बहुत दूर की बात है। अगर सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट होगी, अगर लोगों के मन में डर होगा, देयर शुड बी अ फियर ऑफ लॉ, देयर शुड बी अ फियर ऑफ लॉ दैट लीड टू बी इंस्टेड इन द माइंड्स ऑफ दिस क्रिमिनल्स। फिर जो आप कानून से बच नहीं पाओगे, कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाओगे, कोई हो चाहे कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसकी जमानत भी नहीं होगी, उसको जेल में जाना पड़ेगा, उससे फर्क पड़ेगा। तो मैं प्राइम मिनिस्टर अपने स्टेट लेवल के ऊपर जैसे हमारे IG साहब आए हुए थे, लीगल एक्सपर्ट भी थे हमारे, हमारे सेक्रेटरी थे, तो हमने ये फैसला किया कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक ना जो है एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ बोर्ड, उसका मेन पर्पज सिक्योरिटी है। एक तो वो सिक्योरिटी ऑडिट करेंगे हर मेडिकल जो भी हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, उसका सिक्योरिटी ऑडिट करेंगे, वहाँ डार्क स्पॉट तो नहीं है, वहाँ पे SOPs क्या हो सकते हैं, CCTV की ज़रूरत है, मैन पावर की ज़रूरत है, और उसको वो नेक्स्ट 48 आवर्स में लागू कर सकते हैं। और एक हेल्पलाइन नंबर देंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ये स्टेट लेवल पर होगा सर, और एक हेल्पलाइन नंबर देंगे, डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर होगा, वो कहीं भी कोई मेडिकल को किसी को दिक्कत होगी उसको कॉल करेंगे विद इन 5 मिनट्स उसको।